कोरोना संक्रमित मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रायपुर प्रदेश का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसकी वजह से जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। दरअसल पंथरी के श्री शिवम शॉपिंग मॉल का है, जहां कुछ दिन पहले दो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, बावजूद इसके शोरूम को सील नहीं किया गया, जिसके बाद हजारों लोगों ने खरीदी की। फिर शॉपिंग मॉल से 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने शोरूम में खरीदारी करने वाले लोगों से घर में रहने की अपील की है। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया का घोषणा चेहरा देकर किया जा रहा है। फलस्वरूप राजधानी रायपुर प्रदेश का कोरोना हॉट स्पॉट बना हुआ है। संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इस तरह राजधानी रायपुर में 1000 से ज्यादा मरीजों की संख्या हो गई है। जिला प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जान जोखिम में आ गई है। इसका ताजा उदाहरण है श्री शिवम शोरूम, जो पंडरी में स्थित है। वहाँ एक हफ्ता पहले दो लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिले थे, दो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद भी वो शोरूम को सील नहीं किया गया था। एक हफ्ते बाद वहाँ फिर 12 मरीज मिले हैं, तो जिससे वहाँ एक हफ्ते के दौरान हजारों लोग वहाँ से खरीदी किए हैं। तो इस तरह जान जोखिम में डाला जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्या होती है, ये देखना होगा। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सत्यराजपुर स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।